ग्वालियर में अवैध पत्थर माफियाओं के खिलाफ गिजौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खदान में पत्थर तोड़ने के लिए लाए गए विस्फोटक से भरी गाड़ी को जब्त किया है। जब पुलिस ने जब्त किए गए विस्फोटक के दस्तावेज गाड़ी चालक से मांगे तो वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। वहीं पुलिस ने गाड़ी चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के देहात गिजौरा थाना प्रभारी सुमित सुमन क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे, तभी सूचना मिली कि ग्राम बारकरी क्षेत्र में अवैध पत्थर माफिया सक्रिय है और वह पत्थरों को ब्लास्ट करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का उपयोग कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग की सामग्री से बड़ी गाड़ी आ रही है। जब थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ बारकरी पहुंचे तो टीम को मौके पर एक पिकअप बोलेरो गाड़ी क्रमांक MP06GA3006 खड़ी मिली, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था। गाड़ी के साथ ही गिरोज मदौरिया निवासी ग्राम मोरौली जिला भिंड निवासी मिला। जब गाड़ी चालक से विस्फोटक के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो वह उपलब्ध नहीं करा पाए। गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में 34 कार्टून मिले, जिनमें एक कार्टून में 9-9 जिलेटिन की छड़ें, जमीन पर 82 नाग DTH सफ़ेद बाल रंग की छड़ें, 82 नाग TLD की छड़ें और एक रोल TF मिला। तत्काल गाड़ी को जब्त कर मौके पर पंचनामा बनाकर आरोपी को थाने लाया गया, जहां आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। कल दोपहर में कोई गाड़ी थी बोलेरो पिकअप, जिसके बारे में सूचना मिली थी कि उसमें कुछ विस्फोटक है, तो उसको थाना प्रभारी ने चेक किया था। उसमें ये पाया गया कि कुछ मिला के 4,82,000 का सामान जो विस्फोटक था, जिलेटिन था, उसमें DTS था और अन्य सामग्री थी जिससे विस्फोट किया जा सकता है, वो बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के लिया जा रहा था। तो उस पर विस्फोटक अधिनियम कायम करके उसमें जो गाड़ी में था गिरदाज करके उसको व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई की गई।